मेरी तरफ क्या देख रही है? अपना फिगर दिखा रही है क्या? तुझे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इससे सच नहीं उगलवाई ना तो तुझे तोड़ दूंगा। अबे नौटंकी क्या कर रही है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि खड़ा होके तेरी नौटंकी देखूं। चल मार इसे। उल्टा कमीनी, मुंह खोल अपना। तेरी वजह से मुझे डांट पड़ रही है। पता नहीं ये लड़की जिद्दी है या घमंडी, जानना पड़ेगा। या फिर इस लड़की को जिंदगी में शायद इससे भी गहरी चोट लगी है। इसकी तो इतना मारने पे भी कुछ नहीं बोल रही है। ए, हट। टाइगर्स, इसको टेबल पे डाल। नहीं, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम्हें पुलिस की इतनी मार पड़ने पर भी कुछ नहीं हो रहा है, लगता है तुझे इससे भी गहरी चोट लगी है। ऐसे खामोश रहेगी तो पता कैसे चलेगा? सच का पता चलेगा तभी तो न्याय हो पाएगा। बोल, आखिर हुआ क्या? पता तुझे क्या लगता है कि तू एक पुलिस वाले का पैर काट लेगी और ऐसे चुप बैठी रहेगी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्या? अभी दिखाता हूं मैं तुझे। इससे बातें क्या कर रहे हैं सर? मुझे देख लीजिए, क्या हाल कर दिया इसने। सब कुछ जानते हुए भी आप कुछ नहीं कर रहे। मार दीजिए सर। ये ऐसे नहीं बोलेगी सर। इसको मेरे हवाले करके आप बाहर जाइए, फिर बताती हूँ मैं क्या चीज़। तुझे पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे सामने नौटंकी मत दिखा। जब मैं बोल रहा हूँ तो चुपचाप सुन, नहीं तो इसकी जगह पे तुझे लिटाकर तुझे तोड़ूंगा। फिर मेरी परफॉर्मेंस मैं तुझे दिखा दूंगा। मैं बात कर रहा हूं ना, मैं पूछ रहा हूं ना। तुझे मौका दिया था ना, क्या कर लिया तूने? हाँ, मेरी बात सुनना ही तेरा काम है, नहीं तो यहीं पर उल्टा लटका के हड्डी पसली एक कर दूंगा तेरी। जा, बाहर जा। रुक जा, एक ग्लास पानी ले क्या? ओके सर। थोड़ा सा पानी पी ले, रिलीफ मिलेगा। ये क्या सर, आप इसकी इतनी मेहमान नवाजी क्यों कर रहे हैं? इतनी शराफत से क्यों पेश आ रहे हैं? इसने चार लोगों की हत्या की है सर। इस कमीनी ने एक पुलिस ऑफिसर के पैरों को काट डाला है। ये बिल्कुल भी रहम के काबिल नहीं है सर। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी अकड़ गई नहीं? पैर काट कर छोड़ दिया, वही मेरी गलती है। बीवी बच्चे है सोचकर जान से नहीं मारा, सिर्फ पैर काटा, वही मेरी गलती है। तेरी तो फिर तो तुझे भी मारना गलत नहीं है। देख लिया ना सर, आपके सामने ही कबूल किया। मेरा ऐसा हाल इसी ने किया है और मेरी जान लेने की धमकी भी दे रही है। हाँ, सब कुछ मैंने ही किया। जब उन चारों को मारा था तभी तुझे भी मार देना चाहिए था। जब उन चारों के हाथ पैर बांधकर जंगल के जानवरों के हवाले किया था तभी तुझे मार देना चाहिए था, तेरे बीवी बच्चों के बारे में ना सोचते हुए। यही यही मेरी गलती थी। एक औरत होने के बावजूद तूने एक दूसरी औरत को मार डाला। औरत? वो औरत थी? तो आप बताइए भला मैं कौन हूँ? उन चार लोगों ने मिलके एक अकेली लड़की के साथ हैवानियत का खेल खेला, तब औरत होने के नाते मत करो छोड़ दो ऐसा कहना छोड़कर उनसे हाथ मिलाना चाहिए था। उन्हें उकसाकर मेरी जिंदगी के साथ खेल रही थी तो मैं कैसे माफ कर दूं बड़ी आई बोलने वाली औरत के इंसाफ के बारे में। अब बता मुझे हुआ क्या था उस दिन, आखिर करने क्या गई थी तू जंगल में? हाँ,
कौन से फैमिली से हूँ ये बताऊँ? मेरे पापा कैसे हैं ये बताऊँ क्या? मुझ में कितनी कलाएं हैं उन कलाओं के बारे में बताऊँ क्या? मैं एक साधारण लड़की हूँ जो ऐसा सोचते हैं उनके बारे में बताऊँ क्या? मैं सुबह उठते ही तुलसी की पूजा करती हूँ उसके बारे में बताऊँ? या फिर उससे भी ज्यादा पवित्र मेरी माँ के बारे में बताऊँ? या फिर सुबह उठते ही जो भरतनाट्यम करती हूँ उसके बारे में बताऊँ? नृत्य और घर, मैं और माँ, इसके अलावा मेरे सीधे सरल पापा अरविंद जी और उनकी एक लौती बेटी हूँ मैं। सुनो तो, पूजा पाठ की दुनिया से निकलकर तुम्हारा भार संभालने वाले पति का ध्यान करोगी तो अच्छा रहेगा। अरे हमेशा पूजा करते हुए भी सीरियल के एड की तरह बीच बीच में चिल्लाते ही रहते हो। ए! हाँ कहिए। थोड़ी सी कॉफी पिला दोगी तो करेंसी की कमाई पर ध्यान लगाऊंगा। ठीक है जी, लो कर लो बात। अरे बेटे को ज्ञान देना इतना आसान होता है क्या? ज्ञान ही है, तुम मन में बोलते हुए जोर से बोल रही हो। सुनिए जी, आज बेटी की कचहरी है, भूल चुके हो क्या? नहीं रे बाबा, थोड़ा बात करना है। टाइम 9 बजने को आ गया है, उन्होंने फोन भी नहीं किया। कचहरी करके नाम कमाने वाली हमारी बेटी है ना, पैसा कमाने वाले तो वही हैं। सुनो, उन्हीं का होगा, जरा फोन तो दे दो। राजू जी बोलिए। हेलो राजू जी, 100 साल जिएंगे आप? अभी आपको ही याद कर रहे थे, इतने में आपने बोलिए। हम तो रेडी बैठे हुए हैं, बस ड्राइवर को बता दीजिए। रास्ते में हम फल फ्रूट लेंगे, ड्राइवर को समझा दीजिएगा आप। बीपी शुगर है आपको, फ्री में जो भी मिलता है उसे खाकर तबीयत क्यों खराब करते हो? कुछ नहीं यार, उसकी चिंता मुझे नहीं है। कल बड़े संभव से कचेरी है, बिटिया को अकेले कैसे भेजा जाए इसकी फिक्र है। सुनिए जी, नीचे एम्बुलेंस आ चुकी है। वो तो ठीक है, मेरी तबीयत के बारे में किसी को बताई तो नहीं? अगर बताई होगी तो कुत्ते की तरह ले जाकर 14 दिन मुझे कैद में रखेंगे। घबराओ मत, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ नहीं है, उसकी चिंता मुझे कभी नहीं थी। कल बड़े संभव से कचेरी है, बिटिया को अकेले भेजना ठीक नहीं रहेगा। जाओ, जाकर बिटिया को बुलाओ। ठीक है जी। बेटी, तुम्हें पापा बुला रहे हैं। सुनो बेटी, थोड़ा तुम्हें साधना बढ़ाना होगा। शुक्रवार को प्रोग्राम है बेटी, हमारा काम अच्छे से होना चाहिए। हाँ ठीक है पापा, एक दिन पहले बुलाया है बस। जाओ बेटी, जाओ, जाकर साधना कर लो। ठीक है पापा, मैं करती हूँ। हेलो जी, हाँ ओके, बोलिए। प्रोग्राम है बोल रहे हो तो पहले पैसों की बात हो जाए, क्योंकि सारी बात होने के बाद हम नहीं दे पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा कहोगे, इसीलिए हमारा 10,000 और आपके 1,000। अगर आपको हाँ है तो बोलिए आप। Thank you.
की गलती थी। अपने पापा को ही बिना बताए मैं घूमने जाने वाली थी। वो मेरे फ्रेंड्स है ना सर, उनका लाइफ एंजॉय करने का तरीका देखकर मुझे भी ऐसा लगने लगा था, एक ऐसी इच्छा कि काश मैं भी उनकी तरह मॉडर्न ड्रेस पहनकर जहाँ भी मन हो वहाँ घूमने के लिए जाऊँ, अपने पसंद का खाना खाऊं, अपने तरीके से बिताया हुआ वो एक दिन मुझे जिंदगी भर याद रहे, बस इतना ही चाहती थी मैं। और ये इच्छा इस जर्नी से पूरी करना चाहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये जर्नी मेरी जिंदगी ही बदल देगी। और मुझे ये भी नहीं पता था ये जर्नी मेरी जिंदगी के पन्नों को पलट देगी, अपनी जिंदगी में कभी ना भूल पाऊं ऐसा दुख देगी, मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर देगी। जिंदा रह के भी मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी।